एनडीए की सरकार के समय में ही कुछ भी डेवलपमेंटल काम हुआ है तो हमारी सरकार में हुआ है। इसको कांग्रेस वालों बीजेडी वालों ने कहाँ भी काम को ठीक ढंग से कराया नहीं, इस वजह से उसको संपूर्ण करने के लिए हम लोग राजनीति में आगे आने के लिए चाह रहे हैं। कैसे हमारा स्टेट में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार बने। मंत्री जब मैं था ऐसी स्कीम बनाया हूँ जो स्कीम सारा भारतवर्ष में दूसरी राज्य सेकंड स्टेट के हिसाब से मैंने लेबर वेलफेयर बिल लाया, जिसके तहत कोई श्रमिक अगर काम कर रहा है, काम करते करने के वक्त अगर उसका डेथ हो गया उसको एक्सक्रीसिया देना, उससे पहले नहीं था। कोई लेबर काम कर रहा है उसका अगर पैर हाथ टूट गया उसको ट्रीटमेंट के लिए पैसा देना, कुछ भरपाई करना, पैसे देना, कोई व्यवस्था नहीं था। डेवलपमेंट ये तो लेबर वेलफेयर बिल में बहुत सारे स्कीम लाया हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जा सकता है ये व्यवस्था हम किए थे, उसको इन लोग इम्प्लीमेंट नहीं किए। फिर एक पेंशन स्कीम हमने लागू करने के लिए एक स्कीम बनाए थे, उसमें से जो कोई भी रोजगार व्यक्ति 18 साल से 60 साल के अंदर अपनी कमाई की पैसा कुछ देगा उसका सेम अमाउंट सरकार उसकी भरपाई करेगा। तो वही पैसा से 60 साल जब उसका हो जाएगा वही पैसा से उसको 6 लाख करीब करीब 6 लाख का हिसाब मैंने बनाया था। पार्टी की फोल्डर से हम लोग है, इस वजह से आपको जानकारी होगा सर कैसा है। हम दक्षिणा देखिए, अगर हमारे स्टूडेंट लोग सारा स्टेट में हर स्टूडेंट ज़्यादा जितने भी बेस्टेंट आ रहे हैं उसमें से ज़्यादा हमारा है, तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम कैसे होगा आपको जानकारी होगा। स्टेट इस वजह से शर्मिंदा हो रही है और इन लोग ग्रेजुएशन करके डिक्लेयर कर रहे हैं, बेस्ट टेंथ को भी डिक्लेयर नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट तो शिशु मंदिर से आ रहे हैं। इसकी दिक्कत सरकार को हो रही है। हर गांव को अच्छा रास्ता देना, पीने के लिए अच्छा पानी देना, बिजली देना, शिक्षा देना हमारा काम है। कांग्रेस वालों ने 2004 में कांग्रेस रास्ता कराना बंद करा दे, ये अगर 2014 में कंप्लीट हो जाता तो वाजपेयी के नाम हो जाते। ये महिला सशक्तिकरण की बात अगर कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को अवेयरनेस लाना, हर जगह में इन्वॉल्वमेंट कराना वाजपेयी की सरकार में हुआ था। इसके सिवा राजनीति में इन लोगों को कैसे इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा, रिजर्वेशन के तहत हर आदिवासी लेडीज़ ऐसे लेडीज़ हर लोगों को शामिल करके रोटेशन बेसिस में रिजर्वेशन दे के आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस वजह से इन लोगों को सशक्तिकरण करने का हमारा प्रथम जिम्मेदारी है, हम लोग ही कराएंगे। वोटर लोग को आज भी जानकारी नहीं है कि कलांडी जिला में हमने क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं। भवानीपटना खरिया रास्ता 110 करोड़ रुपया हमने दिए हैं, कांग्रेस सरकार की 5 साल गुजर गया इन लोग कंप्लीट नहीं करा पाए। भवानीपटना केसिंगा रास्ता चुनाव से पहले पैसा दिए हैं, आज तक इन लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। माणिंग पाष्टिकुड़ी देवपुर रास्ता 12.5 करोड़ रुपया हमने दिए थे, उसको इन लोग काम कंप्लीट नहीं करा पाए।